बसमीम हमारा टॉपिक है आज कंज्यूमर बिहेवियर थेरी सबसे तो पहले हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या है फिर हम इसके बिहेवियर को डिस्कस करेंगे यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे द बायर ऑफ गुड्स द बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड कंज्यूमर जो इंसान गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करता है ख़रीदता है उसको हम कंज्यूमर सार्फ़ बोलते हैं वी विल टेक इं टू व्यू अब हम देखते हैं कि हाउ आर कंज्यूमर बिहेव एक कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है उसका रवैया क्या है जब परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबन मैन हैज़ अनलिमिटेड नीड्स ये हमें पहले भी पता है कि इंसान की ख्वाहिशा लातदाद होती हैं रिसोर्स आर लिमिटेड लेकिन उसके रिसोर्स जो हैं बहुत कम हैं महदूद हैं सो ईच कंज्यूमर ट्राई टू टोट हिज़ टोटल यूटिलटी हर कंज्यूमर की क्या ख्वाहिश होती है कि वो अपनी यूटिलटी को अफादे को मैक्माइज़ करे ज़्यादा से ज़्यादा करे। बाई यूटल हिज़ लिमिटेड रिसोर्स जो उसके लिमिटेड महदूद से रिसोर्स है यानी उसकी जो थोड़ी सी आमदनी है उसके अंदर रहते हुए उस अपने जो है वो ख्वाहिशात को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करके अपने अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करे इट इज़ कार्ल्ड कंज्यूमर एक और कंज्यूमर कि बिहेवियर वो किस तरह से अपने महदूद आमदनी से अपनी ज्यादा से ज्यादा ख़्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है ताकि उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए ज्यादा से ज्यादा हो जाए एक्सपर्ट्स हैव टू पॉइंट्स ऑफ़ व्यू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर जो एक्सपर्ट्स हैं जो माहरीन हैं जो मुआशदान हैं उन्होंने कंज्यूमर के रवैये के ऊपर सारफ के रवैये के ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट में क्या कहते हैं दीज इकॉनमि टेक कंज्यूमर बिहेवियर इन टू व्यू थ्रू यूटलिटी अप्रोच यूटिलिटी उफादा को सामने रखते हुए उफादा की जो मेजरमेंट है उनको सामने रखते हुए उनके ज़रिए कंज्यूमर के रवैये को एक्सप्लेन किया गया है एंड देयर आर इन फेवर ऑफ़ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ़ यूटिलिटी यहाँ पे हमें कंज्यूमर का बिहेवियर डिस्कस करने के लिए यूटिलिटी की अप्रोचेस को डिस्कस कर किया गया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर हम यूटिलिटी की अप्रोचेस से चेक करते हैं उसमें पहली अप्रोच हमारे पास कौन सी है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो कि किसने पेश की थी डॉक्टर मार्शल ने और ये सारे जो हैं वो डॉक्टर मार्शल के फॉलोअर्स हैं जो इकोनॉमिस्ट जो है डॉक्टर मार्शल को फॉलो करते हैं दूसरी अप्रोच जो है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने दी इसमें जो है आर जी डी एल एन एन प्रोफेसर एजवर्थ प्रेजेंट इन्होंने प्रेजेंट की है और ये कौन सी थेरी है ये कौन से अप्रोच है जो यूटिलिटी की है और ये कंज्यूमर के रवैये को डिस्कस करती है प्रेफरेंस थेरी एंड डिस्कस कंज्यूमर एक्लिबियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच ऑर्डिनर मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ इन डिफरेंस कव इसको प्रेफरेंस थेरी भी कहते हैं और ऑर्डिनल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं और इसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस इन डिफरेंस कव जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस अप्रोच को इसका मतलब है यूटिलिटी की टू अप्रोचेज हैं कौन सी कार्डिनल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑर्डिनल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी अगर हम यूटिलिटी की मेयरमेंट आ जाए कि यूटिलिटी की मेयरमेंट्स बताएं कि यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है तो हम बताएंगे कि टू अप्रोचेज हैं कार्डिनल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑर्डिनल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी अगर हमें पूछा जाए कंज्यूमर का बिहेवियर उसको एक्सप्लेन करें थ्रू अप्रोचेस तब भी हम इसमें यूटिलिटी ही की अप्रोचेस के ज़रिए कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो डिस्कस करेंगे अब हम सबसे पहले कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अप्रोच पढ़ते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इस अप्रोच के ज़रिए किस तरह से डिस्कस किया जाता है डॉक्टर एल्फर मार्शल ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये न्यू क्लासिकल जो थे उसके बानी थे डॉक्टर एल्फर मार्शल और ये सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये इनके फॉलोअर्स थे आप इन इकोनॉमिस्ट को लिखने की बजाय एंड देअर फॉलोअर्स लिख दें यहाँ पे डॉक्टर एयर एल्फर मार्शल ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट्स एंड देयर फॉलोअर डिस्कस्ड ठीक है ये सारे इकोनॉमिक्स लिखने की बजाय आप क्या लिखेंगे एंड देयर फॉलोअर और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिस्कस्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच बिकॉज इन देयर व्यू कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल लाइक लेंथ ऑफ एनी थिंग जैसे हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं और वेट मेजर करते हैं कैन बी मेजर्ड मेजर किया जा सकता है मोर ओवर यूटिलिटी ऑफ वेरियस गुड्स जितनी भी हम गुर्ज इस्तेमाल करते हैं उन तमाम की यूटिलिटी कैन भी एडिड उनको उसको हम जमा कर सकते हैं कार्डिनल मेयरमेंट का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है मुख्तलिफा से आसन वाली यूटिलिटी को हम नंबर्स में मैर कर सकते हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं उसकी क्वेश्चन क्या है यूटिलिटी की क्या इक्वेशन बनती है यू ये टोटल यूटिलिटी को शो करता है यू मीनस टोटल यूटिलिटी यू वन एक्स वन एक्स वन जो है वो पहली यानी फर्स्ट कमोडिटी कमोडिटी या को कहते हैं पहली शेय यानी हमने अगर एप्पल खाया है तो एप्पल और यू वन एप्पल से हासिल होने वाली अफ़ादा यानी यूटिलिटी एप्पल से हासिल होने वाला अफ़ादा फिर जमा हमने केला खाया है एक्स टू दूसरी कमोडिटी सेकेंड गुड जिसको हम केला कह सकते हैं इससे हासिल होने वाला अफादा यानी यूटिलिटी टू उससे हासिल होने वाली सेकंड कमोडिटी सेकंड गुड या दूसरी शेयर से हासिल होने वाली यूटिलिटी और अफादा इसी तरह अगर हमने तीसरी शेयर इस्तेमाल की सो ऑन जितनी भी हम शे आखिर तक इस्तेमाल करते जाएं तमाम अशिया से हासिल होने वाले यूटिलिटी उफादे को हम जमा कर सकते हैं ठीक है एक्स अशया को फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट कमोडिटी को और यही U1, U2, U3 टू यू थ्री इन्हीं से हासिल होने वाली यूडिलिटी को शो करता है ठीक है अब यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर देंगे हम पेज टर्न करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम इसको नहीं दोबारा से रिवाइज करेंगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नो फर्स्ट वी एक्सप्लेन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अप्रोच विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पन ठीक है अब कार्डिनल जो यूटिलिटी है इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए कंजम्पशन के लॉ पढ़ेंगे पहला लॉ हमारे पास कौन सा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सेकेंड लॉ हमारे पास कौन सा है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है हम अब फर्स्ट लॉ जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ कंज़म्पशन बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी रिगार्डिंग यूज़ ऑफ़ अ गुड जो फर्स्ट लॉ है वो ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसान की जहनी कैफियत से उसका ताल्लुक है इट इज़ इट इज़ रीड एज अंडर इन द वर्ड ऑफ़ मार्शल मार्शल ने क्या कहा है इसके बारे में

मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम से कम होती चली जाती है मैथमेटिकली एम यू मार्जिन यूटिलिटी वो किसका फंक्शन है क्वांटिटी का अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं तो यूटिलिटी कम होती चली जाती है और इसको एक और डेफिनेशन या इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिमिनिशिंग कम होती चली जाती है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ डेड कमोडिटी अगर हम इस कमोडिटी का स्टॉक बढ़ाते चले जाएं शेयर को इंक्रीज करते जाएं या बढ़ाते चले जाएं इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये हमारे पास एक टेबल है इसमें हमने यूनिट ऑफ गुड्स जो है वो बनाना लिए हैं ये इसी हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी है ये मार्जिन यूटिलिटी है जैसे जैसे बनाना हम बढ़ाते चले जाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जाती है लेकिन मार्जिन यूटिलिटी में कमी आती चली जाती है अगर हम पहला बनाना इस्तेमाल किया तो मार्जिन टोटल यूटिलिटी कितनी है बीस दूसरा बनाना इस्तेमाल किया तो टोटल यूटिलिटी कितनी है पैंतीस इसका मतलब है कि यूटिलिटी में बीस से पैंतीस होगी कि कितने का अजाफा हुआ ये एक इसका फार्मूला है इसके थ्रू भी हम देख सकते हैं मार्जिन यूटिलिटी का चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी मकदार पहले गुड से कितनी सेकंड गुड से कितनी यूटिलिटी मिली पैंतीस माइनस पहली गुड़ की यूटिलिटी जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास फिफ्टीन ये सेकेंड कमोडिटी को शो करती है और ये फर्स्ट को टू माइनस वन यानी अगली गुड़ से हासिल होने वाली कमोड हमारे पास कितनी है यूटिलिटी पंद्रह इसको सिंपल वेज में अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप पैंतीस में से बीस अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह यानी दूसरा केला इस्तेमाल करने से एडिशनल बनाना हैज मेड द इंक्रीमेंट ऑफ फिफ्टीन कितना अजाफा किया टोटल यूटिलिटी में पंद्रह पंद्रह का पंद्रह को जब बीस में जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैंतीस विच इज लेस देन ट्वेंटी जो कि बीस से कम है ठीक है ही कॉन्टिन्यूस टू ईट मोर बनाना ही फुली सेटिस्फाइड एट फोर्थ वो लगातार बनाना इस्तेमाल करता जाता है हती कि वो हो जाता है फोर्थ बनाना तक वेयर एज हिज सेटिसफैक्शन इज़ मैक्सिमम यहाँ पे उसकी तकसिन ज़्यादा से ज़्यादा है विच इज़ कितनी है फिफ्टी फोर बनाने तक उसने कितनी तस्कीन उसकी है फिफ्टी नो इफ़ ही टेक्स द फिफ्थ यूनिट इट विल ब्रिंग नो चेंज इन हिज सेटिसफैक्शन एंड स्टिल रिमेन एट फिफ्टी पाँचवा बनाना खाने के ऊपर उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई इजाफा नहीं हुआ उसकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो गई है यानी उसकी यूटिलिटी उतनी की उतनी ही रही है पॉइंट ऑफ स्टैटिटी स्टैटिटी का मतलब होता है सेल होने का मकाम अब इसके ज्यादा जब वो यूटिलिटी वो लेने की कोशिश करेगा और बनाना खाया है, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी ये यह हमें यहाँ से नजर आ रहा है अगर हम इस डायग्राम